हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, आई होप गाइस आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं कोविड टेस्ट के लिए। मुझे जाना था वीज़ा के मेडिकल टेस्ट के लिए आज, तो लेकिन मेडिकल से पहले यहाँ पे कोविड टेस्ट रिपोर्ट मांगते हैं, तो वो आज मैं अभी करवाने जा रही हूँ। देन कल जाऊँगी मैं, रिपोर्ट आने के बाद मैं मेडिकल टेस्ट। तो प्रिंस भी जा रहे हैं हमारे साथ, ये हमारा कोविड टेस्ट करवा के देन वापस हम घर पे आएंगे। प्रिंस वहीं से जाएंगे ऑफिस। तो चलो देखते हैं बाहर। हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे जहाँ पर कोविड टेस्ट हो रहा है वहाँ पे। हम लोग जहाँ पे गए थे सुबह, वहाँ पे सिर्फ रेजिडेंस वालों का और जिसने दोनों डोज ले रखे हैं, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, उन्हीं लोगों का वहाँ पे टेस्ट हो रहा था। तो मेरा दोनों डोज तो है, बट मेरा जो रेजिडेंस वीज़ा है वो मेरा मतलब ई वीज़ा है मेरे पास अभी, और अभी मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आई थी यहाँ पे, तो इसलिए मेरा अभी वहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ। कोविड टेस्ट अब मुझे यहाँ पास में है, वहाँ जाके करवाना पड़ेगा। तो मॉल के अंदर ही होगा, एक हॉस्पिटल का क्लिनिक है यहाँ पे, तो वहीं पर होगा। तो प्रिंस तो ऑफिस जा चुके हैं, मैं वहाँ से आ गई थी सुबह घर पे। अभी आदि देख रहा है टीवी, तो अभी हम दोनों जा रहे हैं, आदि और मैं जाते हैं मॉल में और टेस्ट करवा के आते हैं। देखते हैं वहाँ पे और सब क्या क्या है। और मेडिकल टेस्ट के लिए मैं कल जाऊँगी, कल मॉर्निंग में। आज शाम तक मेरी कोविड की रिपोर्ट आ जाएगी PCR टेस्ट की, देन हम लोग जाएंगे कल सुबह। तो चलो गाइस मिलते हैं बाहर के साइड। कहाँ जा रहे हैं? चले बाहर आदि, चले। ओ आदि, हाय हाय, से हाय। नहीं बात करनी है अब, इसको रेडी कर दिया ना, इसका मतलब कि बस बाहर ही चलना है, बाहर चलो। चलो अब मिलते हैं बाहर की साइड। Oh,
गाइस मैं आ गई हूँ मॉल के अंदर। यहीं पे है जो आरटीपीसीआर का जो टेस्ट होगा वो यहीं पे होगा। अभी अभी सुबह आई थिंक मॉल खुला ही है, सुबह 10 बजे यहाँ पे होता है टेस्ट वगैरह। मैं सुबह वहाँ से यहाँ पे आई थी, उस टाइम 8:30-9 कुछ बज रही थी, लेकिन पता चला कि सुबह 10 बजे यहाँ पे खुलता है, तो फिर अब आई हूँ। घर मॉल के पास में होने का ये अच्छा बेनिफिट है कि कहीं पे भी जाना हो तुरंत आप जा सकते हो। चलो गाइस देखते हैं अब आगे। रेक सेंटर है सबसे एंड में है। मैं लास्ट वाले कॉर्नर से मैं अंदर आई थी, लेकिन मेरे को अभी जहाँ जाना वो सबसे एंड में है। मॉल के उस कोने पे रेक मेडिकल सेंटर है और इस कोने पे स्पिनीज है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है। सुबह सुबह अभी पूरा मॉल खाली है और सब ने काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी रखा हुआ है। जाते वक्त एक राउंड मार के जाऊंगी मैं यहाँ पे। मुझे ऊपर जाना है, ऊपर देखो आपको दिख रहा होगा एक मेडिकल सेंटर। तो यहाँ पे मुझे जाना है। तो गाइज मैं पहुंच गई हूँ रैक मेडिकल सेंटर। तो अभी बहुत सारे लोग आपको पीछे दिख रहे होंगे वेटिंग एरिया पे, तो मे भी वो सब आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए ही वेटिंग कर रहे हैं। तो मैं भी अंदर जाके पूछती हूँ क्या है, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है अभी यहाँ पे कैसे क्या है सिस्टम। अगर अंदर अलाउ हुआ तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, अदरवाइज़ मैं बाहर आके आपको बताऊँगी कि अंदर क्या सब प्रोसेस हुआ है, ठीक है। चलो गाइज़ मैं इस वीडियो को यहीं पर बंद करती हूँ। देखो अभी सब लोग वेटिंग एरिया में बैठे हैं, तो मैं भी जाके बैठती हूँ वहाँ पे एक बार पूछ के। तो गाइस मैं अब फूड कोर्ट एरिया में वेट कर रही हूँ। उन्होंने मुझे कुछ नंबर दिया है, टोकन नंबर। ये टोकन नंबर देके सबको फूड कोर्ट एरिया में वेट करने के लिए बोला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश है। मे भी इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा रश ना हो इसीलिए सबको इधर बिठाया है वेटिंग एरिया, क्योंकि वेटिंग एरिया ऑलरेडी बहुत फुल है, तो फूड कोर्ट एरिया को ही वेटिंग एरिया बना दिया है। सब लोग यहीं पे बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं, देखते हैं वो आएगा हमें बुलाने के लिए, देन होगा टेस्ट, देखते हैं क्या होता है। आदि भी यहीं है, वो अपने में मस्त है, खेल रहा है वो। अच्छा वो मैं आदि को थोड़ा सा हैवी खिला के लेके आई थी, वरना मुझे नहीं पता था यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। मैंने यहाँ पे 1-1.5 घंटा लग गया, तो भूख लग जाएगी आदि को, देखते हैं क्या होता है। आदि आदि इसको रिमूव करो आदि। इसको ना गम्स में बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, इसलिए देखो ये कैसे कर रहा है।
आदि अभी ये लोग 20 तक नंबर लेके गए हैं, तो मेरा है छोटो का नंबर वो 23 है। देन मे बी अब ये 10 लोगों के होने के बाद में मेरा होगा। अभी आदि भी सो गया है क्योंकि मैं उसको घर से खिला के लेके आई थी तो उसको नींद आ गई क्योंकि वो आज सुबह से जल्दी उठा हुआ है, इसीलिए तो वो सो गया है। तो बस अब मेरा भी मैं टेस्ट करवा के फिर जाऊँगी घर पर, देखती हूँ मैं कुछ यहाँ से खाने का ऑर्डर करूँगी क्योंकि मुझे भी अब लगने लग गई है भूख। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था जब हम लोग सुबह 7:30 बजे निकले थे। अभी यहाँ पे बज गए हैं आई थिंक 11 समथिंग कुछ हो रहे होंगे, 11:30, 11, तो मुझे फिर से भूख लगने लग गई है। देखती हूँ यहाँ से कुछ खाऊंगी अगर हुआ तो, नहीं तो घर पे मेरा लंच बना हुआ है तो होगा तो मैं लंच खाऊँगी। तो अब आ गया है मेरा नंबर, इसी के अंदर हो रहा है कोविड टेस्ट तो मैं अंदर वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी। मेरा हो गया है RT-PCR टेस्ट का सैंपल। नोज़ वाले में मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, जो नेजल स्वैब लेते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा मतलब पेनफुल लगता है यार मुझे। और सच में अभी मेरा एक नाक पूरा जल रहा है एक तरफ से। अभी बहुत लोग आ रहे हैं लेकिन आदि की वजह से ना मेरा थोड़ा सा जल्दी हो गया, बहुत भीड़ थी लेकिन यहाँ पर लेडीज़ प्लस बेबी अगर हो तो और जल्दी हो जाता है सब कुछ काम। तो हो गया है मेरा, अब मैं जाती हूँ घर। ये जल्दी हो गया, मुझे लगा टाइम लगेगा, अगर टाइम लगता तो मुझे यहीं से कुछ खरीद के खाना पड़ता, लेकिन जल्दी हो गया तो अब मैं जाती हूँ घर पे। घर पे मेरा लंच बना हुआ है, देन मैं करूँगी लंच। आपको बोला था ना कि जाते वक्त एक राउंड मार के जाऊंगी इसके अंदर, तो देखती हूँ यहाँ पे कुछ अच्छा सा ऑफर चल रहा है रेड टैग में, तो अंदर जाके देखती हूँ मैं क्या क्या सब ऑफर है और फिर शाम को प्रिंस को बोलूँगी कि वहाँ पे ये ऑफर चला है, ये अच्छा है ना। लेडीज सब पहले आके ऑफर चेक करके चले जाओ, फिर रात को जाके अपने हस्बैंड को परेशान करो। सबसे पहले मैं जाऊंगी बच्चों वालों के यहाँ। टाइम कितना चेंज रहता है ना, पहले मैं अपने लिए घूमती थी और अब मुझे लगता है कि कहाँ पे कुछ अच्छा मिल रहा है बच्चों का, तो बस आदि के लिए ही खरीदने का मुझे मन करता है। जबकि हम लोग इंडिया से बहुत सारे इसके लिए कपड़े लेके आए फिर भी। कुछ कुछ अच्छा लगा है आदि और मेरे लिए तो वो तो मैंने ले लिया है, तो मैं आपको घर जाके बताती हूँ कि मैंने क्या लिया है। एक चीज़ तो मुझे मिली नहीं साइज़, तो वो ये लोग होम डिलीवरी करवा देंगे 2 दिन के अंदर, फ्राइडे तक बोल रहे हैं, देखते हैं। बाकी जो भी चीज़ मुझे मिल गई है वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। वो मैंने कर ली है शॉपिंग रेड टैग से, तो अब मैंने क्या लिया है ये मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ क्योंकि आज मैं अकेले हूँ तो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे दिखा भी नहीं सकती क्योंकि मुझे आदि को भी रखना पड़ रहा है।
तो चलो गाइस अब मैं जा ही रही हूँ घर पे। देन अब मैं घर पहुँच के आप लोगों से करती हूँ बात और बताती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। प्रिंस को तो अभी तक पता भी नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कार्ड की जगह कैश से पेमेंट कर दिया, तो उनको तो पता भी नहीं चला होगा, लेकिन घर आएंगे तो उनको पता चलेगा। कोविड की वजह से आई थिंक पूरा मॉल खाली है, पूरा अभी ज़्यादा कुछ पब्लिक ही नहीं है, है ना, पूरा ही मॉल खाली है। मे बी इवनिंग में यहाँ पे लोग आते हैं ज़्यादा, क्योंकि अभी तो सबका क्या है ना कि ऑफिस टाइम वगैरह होगा, तो शाम में सब लोग फ्री होते हैं तब आते होंगे। वाओ मैं थक गई हूँ अब बहुत ज़्यादा, मुझे लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख। घर जाके खाऊंगी खाना, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले पेट पूजा, बहुत तेज़ की भूख लगी है। पता है हम लोग उस दिन आए थे तो मैंने मदर केयर से उस दिन आदि के कपड़े लिए थे, मे बी 2-3 दिन पहले की बात है, तो हमने सोचा था कि हम इसको वो वाले बर्थडे पे पहना देंगे लेकिन अभी है ना मुझे और कुछ अच्छा सा मिल गया, तो मैंने वो ले लिया अभी रेड टैग से। तो अब मैं सोच रही हूँ कि वो आदि को बर्थडे पे पहना देंगे। पता नहीं बेचारा आदि बर्थडे में क्या क्या पहनेगा, देखते हैं कौन सा कब पहन पाता है। और वैसे बर्थडे का हमने कुछ ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग फैमिली नहीं है, हम लोग अकेले हैं, तो मुझे कुछ अकेले अकेले सेलिब्रेट करने का बिल्कुल मन नहीं है। जो भी करेंगे थोड़ा बहुत छोटा सा कर लेंगे, लेकिन जो भी करूँगी मैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। गाइज मुझे जाते जाते से कुछ याद आया कि मुझे स्पिनिश से कुछ लेना है, तो अब जाती हूँ स्पिनिश में। कुछ क्या फिश लेना है मुझे तो चलो फिश लेके आते हैं। तो अभी मैंने लिया है रोहू फिश, गाइस ले लिया है मैंने। अब मैं जा रही हूँ घर, अब मैं सीधे घर ही जा रही हूँ। अब मैं खाना वाना खा के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या सब लिया है। देन मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आज शाम तक मेरी आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, देन मैं कल जाऊँगी वीज़ा के जो मेडिकल टेस्ट होता है उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, उससे पहले मैं घर जा के आपको दिखा दूँ कि मैंने आज क्या सब लिया है, देन मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। ओके गाइस, तो हेलो गाइज मैं आ गई थी घर पे, मैंने खाना वाना सब खा लिया है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या सब लाई हूँ। ओके देखो सबसे पहले तो मैं आदि का ही दिखा देती हूँ। ये मैंने एक आदि के लिए येलो कलर की टी शर्ट ली है, देन मैंने एक इसके लिए जैकेट भी लिया है, कैप वाला है हाफ जैकेट। और एक जस्ट ऐसी पैंट है, ये है ना, ये जस्ट ऐसी पैंट है उस येलो टी शर्ट के साथ पहनने के लिए। और एक जो मुझे पसंद आया था, मैंने उसका पेमेंट वगैरह सब कर दिया, बट मुझे उसमें साइज नहीं मिला था, तो उन्होंने बोला है कि वो लोग फ्राइडे तक डिलीवरी दे देंगे घर पे। तो जैसे ही वो लोग डिलीवरी देते तो मैं वो वाला भी बताती हूँ, नहीं तो क्या पता अगर मैं बर्थडे में पहना वो वाला तो उसी दिन आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छा मिला है मुझे, वो भी कोटी वाला है, 2 पीस का सेट था। और ये मेरा है, कुछ दिखाते हैं, जस्ट मेरा तो ऐसे ही फालतू सा सामान होगा। एक तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, ये देखो ये बहुत सुंदर सा है, कुछ बना हुआ है ड्रैगन टाइप आई थी, तो ये है, मुझे बहुत ही कम रेट में मिला है यहाँ पे। ये मैंने लिया है गले में पहनने के हिसाब से, बहुत अच्छा लगेगा ये सिंपल किसी भी ड्रेस के ऊपर। देन मैंने ये लिया है क्योंकि
क्योंकि मुझे रिंग्स का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैंने ये जो फाइव फिंगर वाला रिंग होता है ना, मैंने ये लिया है, तो मैं इसको अलग अलग तरीके से भी पहनूंगी, तो अच्छा लगेगा ये जब भी पहनूंगी। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं उस दिन लेके आई थी। और एक देखो, एक मैंने ये चीज ली है, ये भी बहुत सुंदर है। कैसी लग रही है इयररिंग्स? मैं कभी एक्चुअली लॉन्ग इयररिंग्स कभी नहीं वेयर करती, मैं बहुत ही कम। जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं ना, तो उन लोगों को तो पता होगा कि मुझे लॉन्ग इयररिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर। हाँ, लेकिन कभी कभी ओकेशन वाइज किसी फंक्शन में आप पहन सकते हो, तो मैंने उसके लिए लिया है, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा सा था ये ना, तो मैंने एक ये चीज़ ली है। तो ये सब मैं जब भी वेयर करूँगी मैं आप लोगों को बताऊँगी। कितना सुंदर लगा ना, सबसे ज्यादा प्यारा मुझे यही लगा है। तो बस इतनी सी चीजें ली है मैंने। तो चलो गाइस, मैं अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। कल मैं जाऊंगी आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं मेडिकल टेस्ट के लिए कल जाऊंगी, तो वो देखते हैं कल मुझे इंजेक्शन लगेगा। सबसे ज्यादा डर मुझे उसी के लिए लग रहा है, बट सब करवाना भी बहुत ज़रूरी है। आज ही हो जाता लेकिन कोविड टेस्ट चाहिए था वहाँ पर रिपोर्ट, इसलिए आज नहीं हो पाया। तो चलो गाइज़ बाय, चलो गाइज़ बाय। मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो। तो बस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।